मोर न्यूज़, तो चले चलते हैं ताज़ा खबरों की ओर। निम्न मांगों पर भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी ने अटरा गांव में किया एक दिवसीय धरना। सिटी टीवी 24 न्यूज हरदोई तहसील संवाददाता अक्षय कुमार त्रिपाठी। हरदोई में भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन द्वारा विकास खंड अहिरोरी के अटरा ग्राम पंचायत दही ग्राम पंचायत भगोली नहर सफाई व्यवस्था बैनिकगंज के बलहैया मार्ग पर नाला निर्माण ग्राम पंचायत निवादा लोचन के निरंजन पुरवा में सड़क निर्माण अटवा कटैया ग्राम पंचायत पीपरी ग्राम पंचायत सहित विकास खंड कोथावा की उमरारी ग्राम पंचायत की तमाम समस्याओं को लेकर आज माधवगंज प्रताप नगर चौराहा सड़क मार्ग किनारे अटरा ग्राम में संगठन द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमे मौके पर पहुंचे तहसीलदार हरदोई सदर को ज्ञापन देते हुए संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव एवं कोतवाली बैनीगंज प्रभारी निरीक्षक राजकरण शर्मा जी की उपस्थिति में हर मुद्दे को अवगत यहाँ आने के लिए और समस्याएं सुनने के लिए उनके निस्तारण कराने के लिए और एसडीएम साहब हरदोई द्वारा भी फोन कॉल के माध्यम से बताया गया है। साहब हम आपसे निवेदन पुनः करते हैं, इस गांव की जमीन को नपवाने और उसको सही कराने के संबंध में और इसके साथ में जो सलेमपुर का मुद्दा है एक बार साहब को कल ही भेज दीजिए, हम भी समय निकाल कर चले जाएंगे अगर आवश्यकता पड़ेगी और उसको निष्पक्ष कराएंगे। उसमें पक्ष विपक्ष कहीं अगर होता है तो हम अपने यूनियन के लेकर बैठ कर संबंधित थाना अध्यक्ष महोदय को दे करके और उसकी शिकायत करेंगे। जी जी यही है और आप जिम्मेदारी लेते हैं। एक और साहब समस्या है कि यहाँ से किसी दूसरे लेखपाल साहब को इजाज दे दीजिए ताकि इनकी समस्या समाप्त हो जाए। इनका सबसे बड़ा संतवा यही है कि वो वहाँ बैठते वो वहाँ पानी पीते वो वहाँ ये करते तो हमारे पक्ष में नहीं करेंगे, वो कहते हमारे पक्ष में नहीं। साहब एक अनोन व्यक्ति डाल दीजिए जो दोनों के मन का करके और निष्पक्ष करके यहाँ से चला जाए, ये हमारा आपसे पुनः निवेदन है। आप बता दीजिए कि कब तक इनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और कब तक इनके कष्ट कट जाएंगे बेचारे गरीब और परेशान।